हाल ही में कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने के आरोपों की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल छात्रों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा की प्रक्रियाओं की मजबूती का गहन मूल्यांकन करने का निर्णय लिया है। एहतियाती उपाय के रूप में कल यानी 23 जून 2024 को होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। इस परीक्षा की नई तारीख का ऐलान जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने छात्रों को ही असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है। मंत्रालय ने कहा कि निर्णय छात्रों के सर्वोत्तम हित में और परीक्षा प्रक्रियाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए लिया गया है। नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर के चल रहे विवाद के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्र सरकार से 23 जून को होने वाली नीट पीजी परीक्षा स्थगित करने का आग्रह किया था। शशि थरूर ने छात्रों को ये हितों को ध्यान में रखते हुए उत्तर भारत में प्रचलित भीषण गर्मी जैसी स्थिति का भी हवाला दिया था। शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नीट यूजी परीक्षा के आयोजन को लेकर के लग रहे आरोपों को देखते हुए मैं सरकार से 23 जून को होने वाली नीट पीजी परीक्षा को स्थगित करने का आग्रह करता हूँ। उन्होंने आगे कहा, इसके अलावा केरल के एक सांसद के रूप में मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ परीक्षा केंद्रों में सीटों की कमी के कारण भारत के दक्षिणी राज्यों से सैकड़ों लोग इस परीक्षा को देने के लिए उत्तर भारत में आने को मजबूर हैं और उत्तर भारत में वर्तमान भीषण गर्मी की स्थिति जिसने पिछले 3 महीने में 100 से अधिक लोगों की जान ले ली है और जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 40,000 संदिग्ध हीट स्ट्रोक के मामले सामने आए हैं, इन छात्रों को अनावश्यक रूप से जोखिम में डालता है। 1,563 उम्मीदवारों के लिए नेट यूजी री एग्जाम रविवार 23 जून को आयोजित की जाएगी। परीक्षा आयोजित करते समय राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी परीक्षा केंद्र पर मौजूद रहेंगे। मामले पर अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून को कहा था, अगर परीक्षा के संचालन में किसी ओर से 0.00% भी लापरवाही हुई तो उसे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। मंत्रालय ने यह भी कहा था कि निर्णय छात्रों के सर्वोत्तम हित में और परीक्षा प्रक्रिया को सही बनाए रखने के लिए लिया गया है। इस बीच आपको बता दें कि सरकार ने नेट यूजी और यूजीसी नेट परीक्षाओं के आयोजन में अनियमितताओं के आरोपों के मद्देनजर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के प्रमुख सुबोध कुमार सिंह को शनिवार रात उनके पद से हटा दिया गया है। फिलहाल उनके स्थान पर 1985 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी प्रदीप सिंह करोला को अगले आदेश तक उनके स्थान पर नियुक्त किया गया है। कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की सत्यनिष्ठा के बारे में आरोपों की हालिया घटनाओं को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल छात्रों की राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित नीट पीजी प्रवेश परीक्षाओं की प्रक्रियाओं को मजबूती का गहन मूल्यांकन करने का निर्णय लिया है। ये घटनाक्रम नीट यूजी परिणाम और यूजीसी नेट तथा संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षाओं को रद्द करने को लेकर के चल रहे विवाद के बीच सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विज्ञप्ति में कहा, कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की सत्यनिष्ठा के बारे में आरोपों की हालिया घटनाओं को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल छात्रों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित नेट पीजी प्रवेश परीक्षा की प्रक्रियाओं की मजबूती का गहन मूल्यांकन करने के लिए निर्णय लिया है। अब कुल मिलाकर के सरकार अब इस पूरे पेपर लीक वाले मामले में गंभीरता से काम कर रही है और सख्त कदम उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से सरकार ने अब एक्शन लेना शुरू किया है उसके बाद अब विपक्ष की तरफ से क्या कदम उठा जाता है, क्योंकि विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर के सरकार के खिलाफ आक्रामक होकर के हमला बोल रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।